हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे सुंदर विंटर फ्लावर्स मेरे यहाँ अभी खिले हुए हैं। पेटूनियाज है, डाइंटस है, बाद में कैलेंडुला है। तो फ्लावर्स नहीं खिलने में सिर्फ अभी गजानिया पेंडिंग है, उसने अभी मुझे फ्लावरिंग्स नहीं दी है। तो बहुत ही जल्द मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लांट भी मुझे फ्लावरिंग्स दे सकेगा। तो एकदम से फ्रेंड्स अभी कुछ उल्टे सीधे फर्टिलाइजर्स में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है मेरे यहाँ अभी गजानिया की। और डाइंटस की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, पेटूनियास की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसके ऊपर भी निकल रहे हैं अभी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अभी जो विंटर प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स हमारे यहाँ दे रहे हैं। और पीछे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे कोलियस मैंने रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। और अलग अलग वेराइटीज़ है फ्रेंड्स, इस बार मैंने कोलियस की धीरे धीरे करके अलग अलग वेराइटीज़ कलेक्ट करना मैंने स्टार्ट कर लिया है। और मोस्ट ऑफ द जो पीछे वाली जो वेराइटी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी वेराइटीज़ मैंने कटिंग से ही ग्रो की है, यानी कि एक ही प्लांट लाया था, एक प्लांट के अंदर से फ्रेंड्स मैंने ये सारी कटिंग्स को डेवलप की है। तो कोलियस तो बहुत ही इजीली अपने कटिंग से ग्रो हो सकता है, और अभी जो समर्स आएगी फ्रेंड्स, समर्स में ये कोलियस हमारे बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि एक बहुत ही सुंदर प्लांट जो जिसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत हो, तो कोलियस जैसा समर प्लांट आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है और समर्स में ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। इसको बस आपको ब्राइटनेस वाला लोकेशन देना है जहाँ पर सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती हो। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे कोलियस की बात हो गई, अगर मैं बात करने जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारे डाइंटस के प्लांट के ऊपर है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो डाइंटस का प्लांट है बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स दे रहा है, ये जो प्लांट है इसके ऊपर फ्लावरिंग्स ख़त्म हो रहे हैं। तो आज टोटली फ्रेंड्स मैं डाइंटस के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा बातें। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, डाइंटस को ग्रो करने के लिए उसके लिए एक सूटेबल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे कैलेंडुला में भी बताया था वो वीडियो में, कि ये सारे विंटर प्लांट्स को फ्रेंड्स उनके हिसाब का क्लाइमेट चाहिए, यानी कि ठंडा क्लाइमेट चाहिए। या फ्रेंड्स दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के आसपास हो और रात का टेम्परेचर 15 डिग्री या तो उससे कम हो, तो बाद में ये जो डाइंटस है आपके यहाँ बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे और कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग्स करते रहेंगे। तो डाइंटस को सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स इसके ऊपर फ्लावरिंग्स लाने की। वैसे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स देता है, अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं भी डालोगे तो भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको फ्लावरिंग्स देता ही रहेगा। लेकिन कुछ हमें बेसिक टिप्स फॉलो करनी है जिसकी वजह से आपके ये जो डाइंटस प्लांट है बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो डाइंटस प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स उसकी पॉटिंग सॉइल। ये एक ही बड़ा बहुत ही बड़ा की पॉइंट है फ्रेंड्स ये प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, डाइंटस प्लांट को फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो, तो बाद में इसको एक बहुत ही अच्छी पॉटिंग सॉइल देनी है। पॉटिंग सॉइल फ्रेंड्स एक ही उसके अंदर चीज़ होनी चाहिए, वो है वेल ड्रेनिंग, यानी कि फ्रेंड्स सॉइल बहुत ही जल्दी ड्राई हो जानी चाहिए। सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा देर तक इंटैक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये डाइंटस जो है इनको ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती, यानी कि इसकी सॉइल जब भी फुल्ली ड्राई हो जाए तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। हमें इसकी गीली मिट्टी के अंदर या तो मॉइस्ट मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ऐसी सॉइल फ्रेंड्स हमें इसको प्रोवाइड करनी है। तो पॉटिंग सॉइल का मिक्सचर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, 50% जितनी हमें सैंड यूज़ करनी है, 30% जितना सॉइल यूज़ करना है और 20% जितना आप कॉम्पोस्ट यूज़ करिए। ये पॉटिंग सॉइल के अंदर फ्रेंड्स अगर आप डाइंटस को ग्रो करोगे तो आपके डाइंटस भी कुछ ये हिसाब से बड़े भी होंगे, और साथ में फ्रेंड्स ये प्लांट आपको फ्लावर्स भी देंगे। और आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए मार्च अप्रैल महीने तक तो आराम से ये चल जाएंगे। अगर आपको इसको मानसून तक भी खींचना हो तो आराम से खींच सकते हैं, लेकिन समर्स में हमें इसको फुल शेड में रखना होगा जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती हो, तब ये प्लांट शायद आपको फ्लावरिंग्स नहीं देगा, लेकिन कम से कम बच सकेगा। तो ये चीज़ फ्रेंड्स मैं अपने सारे विंटर प्लांट्स के साथ करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाए तब मैं ये सारे विंटर प्लांट्स को फ्रेंड्स फुल शेड में ले लूँगा और बाद में ये हिसाब से उसको बचाने की कोशिश करूँगा। ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी ये प्लांट्स मरने ही वाले हैं, तो ट्राई करने में क्या जाता है इसको बचाने में, तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ। और डाइंटस के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि इसकी पॉटिंग सॉइल फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पॉटिंग सॉइल में आप खास ध्यान रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स विंटर्स में इसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, वो है सनलाइट। तो सनलाइट फ्रेंड्स आप इसको जैसे कि आपके यहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से फ्रेंड्स आप इसको सनलाइट दीजिए। वैसे फ्रेंड्स मॉर्निंग की सनलाइट में ये जो प्लांट है आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके यहाँ सनलाइट बहुत ही कम आती हो, विंटर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, ठंडियाँ ज़्यादा हो, दिन का टेम्परेचर फ्रेंड्स 15 डिग्री के आसपास हो और रात का टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास हो, तो बाद में ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आप इसको ओपन सनलाइट में रखिए जब पूरे दिन की सनलाइट आती हो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बहुत ही कम सनलाइट आती है। तो हमें अपने प्लांट्स को जितना हो सके दिन के टाइम
जितना हो सके दिन के टाइम फ्रेंड्स उसको पूरे दिन की सनलाइट देनी है, और जैसे ही फ्रेंड्स रात हो जाए तो रात के टाइम फ्रेंड्स आप ये प्लांट को कवर कर लीजिए कोई भी पॉलीथीन बैग से वगैरह से, किसी भी पॉलीथीन बैग से आप इसको कवर कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स जो धुंध गिरती है धुंध हमारे प्लांट को ख़राब नहीं करेगी। तो ये ही सब का फ्रेंड्स आप थोड़ा केयर करोगे ये डाइंथस की, तो बाद में आपके डाइंथस अच्छे से अच्छे विंटर्स में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको करके देंगे। तो ये एक टिप फ्रेंड्स आप ध्यान से समझ लीजिए। वैसे फ्रेंड्स मेरे यहाँ इतनी तो तेज़ ठंडियाँ नहीं है, ठंडियाँ है लेकिन नॉर्मल सी ठंडी है जो डाइंथस को आराम से चल जाएगी, यानी कि रात का जो टेम्परेचर रहता है 12 से 15 डिग्री के आसपास रहता है, दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में मुझे ये प्लांट को कवर करने की ज़रूरत नहीं रहती, और पूरे दिन की भी सनलाइट नहीं देता हूँ, सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट देता हूँ, 9 बजे से लेके 12 बजे तक की फ्रेंड्स मैं इसको सनलाइट देता हूँ। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे यहाँ ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, मेरे कैलेंडुला भी चल रहे हैं, साथ में ये पेटूनियाज भी चल रहे हैं। तो ये सब की कंडीशंस रहेगी तो फ्रेंड्स आराम से ये प्लांट अपने आप ही ग्रो होते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन। कभी भी फ्रेंड्स ये प्लांट को आप ज़्यादा हैवी डोज के फर्टिलाइजर्स मत दीजिए, जैसे कि बैलेंस एनपीके हुआ, डीएपी हुआ, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेंगे, उल्टा ये प्लांट को ख़राब करेंगे। तो जब भी आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो तो बहुत ही कम डोजेज अप्लाई करिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको कैलेंडुला में भी बताया था आधे चम्मच से भी आधा चम्मच हमें इसके अंदर एनपीके यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वो भी महीने में एक बार। एक 250 से 500 ml पानी ले लीजिए, उसके अंदर फ्रेंड्स आप थोड़ा सा एनपीके मिक्स कर लीजिए और महीने में सिर्फ एक बार इसकी पॉटिंग सॉइल के अंदर डाल दीजिए और ये प्लांट उतने ही फर्टिलाइजर्स में खुश हो जाएगा। ये प्लांट को सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र चाहिए वो है मस्टर्ड केक लिक्विड। अगर आपके पास मस्टर्ड केक लिक्विड हो तो बाद में आप वीकली बेसिस पे डाइल्यूट करके इसकी सॉइल के अंदर मस्टर्ड केक लिक्विड अप्लाई करिए। इससे फ्रेंड्स ये प्लांट अच्छे से अच्छे ग्रो होंगे, क्योंकि मस्टर्ड केक लिक्विड में सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं और साथ में फॉस्फोरस भी मौजूद होता है जो ये प्लांट को फ्लावरिंग्स पे लाने के लिए हेल्प करता है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप मस्टर्ड केक लिक्विड यूज़ करते हो तो बाद में मस्टर्ड केक लिक्विड यूज़ करिए। अब मेरे पास फ्रेंड्स मस्टर्ड केक लिक्विड नहीं है तो मैं काउडंग लिक्विड यूज़ कर लेता हूँ, या तो मैंने दूसरा एक फर्टिलाइज़र बनाया है फॉस्फोरस का, वो मैं यूज़ करता हूँ वीकली बेसिस पे एक बार। तो वो फर्टिलाइज़र मैं आपको बहुत ही जल्द आपको शेयर भी करूँगा, जैसे ही मुझे थोड़ा रिजल्ट अच्छा और देखने को मिल जाए तो बाद में वो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम अपने डाइंथस के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स ला सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, ये प्लांट को आप पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड के एप्लीकेशन ज़रूर करिए, जैसे कि हम दूसरे विंटर प्लांट्स के ऊपर भी करते हैं। तो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि इसके ऊपर फंगस आराम से लग सकता है ये प्लांट के ऊपर। अगर आप ये प्लांट के लीव्स के ऊपर फ्रेंड्स वाटरिंग करोगे, लीव्स के पत्ते के ऊपर फ्रेंड्स पानी गिरा रहेगा तो बाद में इसके पत्ते जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसकी लीव्स के ऊपर वाटरिंग ना करें, हमेशा वाटरिंग फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर करें। इससे फ्रेंड्स प्लांट के लीव्स नहीं जलेंगे, प्लांट्स के लीव्स हेल्दी रहेंगे, और दूसरी चीज़ फंगस भी नहीं लगेगा। तो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करिए, इससे प्लांट पेस्ट से फ्री रहेगा, फंगस से फ्री रहेगा और अल्टीमेटली अपना सारा ध्यान फ्लावर्स ग्रो करने के ऊपर लगा देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, जब भी आप ये प्लांट को ग्रो करते हो तो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं ये जो उसका रूट बॉल है, रूट बॉल फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है पॉटिंग सॉइल से, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे ये एक फ़ायदा होगा कि जब भी आप वाटरिंग करोगे तो उसकी जो भी नीचे वाली ब्रांचेज होगी वहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, वो एरिया ज़्यादा गीला रहेगा नहीं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे फंगस क्रिएट नहीं होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपने रूट बॉल को बहुत ही अंदर से दबा दिया और बाद में जितने भी ये जो ब्रांचेज है उसके वो भी सॉइल के अंदर दब जाएंगे, और अगर प्लांट की सॉइल गीली रहेगी तो बाद में ये जो जितनी भी नीचे वाली ब्रांचेज है वहाँ पे फंगस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपके डाइंथस अपने आप ही मरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा प्लांट क्यों मर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने कुछ ये हिसाब से प्लांट को रिपोर्ट किया है जिसकी वजह से आपके प्लांट के नीचे के एरिया में फंगस लग जाता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके पूरा प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी विंटर प्लांट्स आप ग्रो करते हो, सभी विंटर प्लांट्स के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि ये जो पेटूनिया है मेरे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं पेटूनिया की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चल रही है अभी, और नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो रूट बॉल है फ्रेंड्स, मैंने रूट बॉल उसका थोड़ा सा ऊपर रखा है और पॉटिंग सॉइल नीचे है। तो इससे फ्रेंड्स ये जो इसके जो नीचे वाले तने होते हैं पेटूनिया के भी फ्रेंड्स, नीचे वाली जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है, अगर वहाँ पे गीलापन जमा रहेगा तो बाद में वो एरिया धीरे धीरे करके रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके विंटर प्लांट्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए
जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरे गजानिया में भी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है उसको, क्योंकि गजानिया में भी सेम इश्यू होता है। उसके जितने भी ब्रांचेज होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि रूट बॉल के अंदर से ही बाहर निकलते रहते हैं और वो एरिया फ्रेंड्स गीला रहेगा, तो वहाँ से भी फ्रेंड्स वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो टिप है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप खास ध्यान रखिए, खास करके ये विंटर प्लांट्स के लिए। और दूसरी चीज़, जब भी जैसे कि ये जो प्लांट है मेरे, ये प्लांट के ऊपर अभी फ्लावरिंग्स ख़त्म हो चुके हैं, कुछ फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, कुछ फ्लावर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी फ्रेंड्स ये पूरे प्लांट को फ्लावरिंग से मुक्त कर लूँगा, यानी कि सारे फ्लावर्स मैं कट कर लूँगा। ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आप अपने विंटर प्लांट्स के ऊपर मैक्सिमम शूट्स लाना चाहते हो, मैक्सिमम फ्लावर्स लाना चाहते हो, तो बाद में ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फ्लावर्स हुए, जितने भी नए फ्लावर्स, बाद में पुराने फ्लावर्स, बाद में जो भी नए फ्लावरिंग बर्ड्स निकलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमें, वो सारे फ्लावर्स और नए बर्ड्स फ्रेंड्स हमें कट कर लेने हैं। इससे फ्रेंड्स प्लांट न्यू शूट्स निकालेगा और न्यू शूट्स के ऊपर आपको फिर से न्यू फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम इसको पिंचिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी पिंचिंग भी कर सकते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ ये कटर के साथ मैंने इसको कट किया है, आप पिंच करना चाहते हैं तो पिंच भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे प्लांट के ऊपर न्यू फ्लावर्स जनरेट होंगे। और कल संडे अपडेट है, तो कुछ नए परचेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने कुछ प्लांट्स नए परचेज किए हैं, मैंने कुछ समर प्लांट्स, जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं समर के लिए, वो मैंने परचेज किए हैं, और आपके साथ मैं ज़रूर अपडेट करूँगा कि कौन कौन से नए प्लांट्स मैंने अब परचेज किए हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक बार मैं अपने डाइंडस की ब्यूटी आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसके दिख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। साथ में फ्रेंड्स ये हमारे पेटूनियाज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पेटूनिया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स ये। और हमारे कैलेंडुला, इसके ऊपर तो बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूस फ्लावरिंग बर्ड्स ये जनरेट करता रहता है। और इसकी फ्लावरिंग्स की ब्यूटी देखिए, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं इसके। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमारे जो ये कैलेंडुला, बाद में डाइंडस है, वो सारे बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और पीछे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, साल्विया के ऊपर भी फ्लावरिंग्स लगना स्टार्ट हो गई है, लेकिन फ्रेंड्स मैं वो पिंच कर लूँगा, क्योंकि मैं इसकी लीव्स की ग्रोथ अभी बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स मैं ये बुशी बनाऊँगा ये प्लांट को, बाद में ये जब ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, और तब फ्रेंड्स मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरे हाइबिस्कस, हर बार की तरह ये चिड़ियों ने इसको ख़राब किया है। बहुत ही सुंदर बर्ड्स इसके ऊपर भी निकल रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, चिड़ियों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे एक दूसरा बर्ड इसके ऊपर छुप के प्रोड्यूस हो रहा है, जो पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने प्लानिंग किया हुआ है कि अब करना क्या है, तो वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको मैं आगे अपडेट करता रहूँगा। मेरे कुछ प्लांट्स हैं जिसकी वजह से मेरे हाइबिस्कस और मेरे रोजेस बंदर, गिलेरिया और चिड़ियों की वजह से बच जाएंगे, और उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावरिंग्स भी आएंगे, तो वो चीज़ मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगा। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स डाइंडस के ऊपर। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।